जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, तो आज मैं लिखे हुए आपके लिए एक नई रेसिपी, बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार है और लाहौर की बहुत ही मशहूर है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं लाहौरी कतलमा, जिसके लिए मैंने लिया मैदा 1/2 किलो है, बेसन लिया है, मूँग की दाल ली है, सूखा धनिया लिया, अनारदाना। स्पाइसेस में मैंने लिया है लाल मिर्च, दड़ा मिर्च, सूखी धनिया कुटी हुई, लाल कलर फूड कलर जो होता है, हल्दी और नमक। आइए तो शुरू करते हैं। जी दोस्तों, तो अब सबसे पहले हम मैदा जो है उसको भून लेंगे। तो इसमें हम नमक 1 चम्मच ऐड कर रहे हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें मैं ऐड करूँगा थोड़ा सा घी मेल्टेड, 7 चम्मच मैंने इसमें ये घी के ऐड किए। आप चाहें तो उसमें कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा कर पहले इसको हाथों की मदद से हाथ हमने धो लिए हैं, साफ है हाथ। और इसमें अब थोड़ा थोड़ा हम करके पानी ऐड करते जाएंगे। जिस तरह रोटी के लिए आटा हम गूंथते हैं, उसी तरह हम इसको गूंद लेंगे। जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये मैदा जो हमने वो गूंद के तैयार कर लिया। इसको हमने पतला नहीं रखना, ठीक है, ज़्यादा नरम ना हो और ना ही ज़्यादा सख्त हो, इस तरह का हो, ये देखें, ठीक है, इस तरह का होना चाहिए। ये तैयार हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा हम ऑयल या घी लगा के रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। इसमें मैं ये थोड़ा सा ऑयल लगा देता हूँ। अब इसके ऊपर हम कोई चीज़ जाके इसको रख देंगे। और ये कप एक मैंने पानी का लिया था, अब ये देख सकते हैं इतना इसमें यूज़ हुआ है। इस पर ये प्लेट देके मैंने इसको रख दिया। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम रखेंगे, थोड़ा सा और पानी हम लेंगे। जी दोस्तों, तो ये अभी हमने बेसन लिया और एक अंडा, ये मैं आपको बताना भूल गया था। तो सबसे पहले इसमें ये जो है मसाले, ये इसमें ऐड कर देंगे। मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगा अंडा। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी जो है वो ऐड करेंगे। इस शेप में हमें चाहिए, इससे ज़्यादा हमने इसको ना पतला करना है ना इसको हमने गाढ़ा करना है। जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये रेडी हो चुका है मिक्सचर हमारा जो है, जो हमने इसके ऊपर लगाना है। ये 1 कप मैंने पानी का लिया था, ये इसमें 1/2 कप तकरीबन इसमें ऐड किया मैंने पानी। जी दोस्तों, तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं इसको, अब हम इसकी अब रोटियां बना लेते हैं। इसकी साइज आप अपने मर्जी के हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि मैं घर में बना रहा हूँ और कढ़ाई में, तो मैं छोटे साइज की बनाऊंगा। आपको पता है क्योंकि ये जो बाहर दुकानों पे मिलता है वो उसका साइज बड़ा होता है, पर मैं घर में बना रहा हूँ तो अब इसकी जो हम साइज है वो छोटा रखेंगे। खुश्क मैदा इस पर लगा लेंगे। अब इस पर थोड़ा हाथों की मदद जो है वो बड़ा कर लेंगे, पहले हाथों की मदद से कर लेंगे जिस तरह रोटी हम बनाते हैं, और उसके बाद हम इसको बेलने की मदद से बेल लेंगे।
अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। वीडियो को लाइक किया करें दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी किया करें और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताया करें कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। अभी थोड़ा और हम इस पर खुशका लगा देंगे। अब हम इसको बेलने की मदद से बेलेंगे। अब हम इसको बेलने की मदद से बेलेंगे। जी दोस्तों, तो ये इसको हमने बेल लिया। अब जो इसके ऊपर हमने चीज़ें लगानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमने मिक्सचर रेडी किया है वो एक तो इस पर लगाएंगे हम, ठीक है, हाथ की मदद से आप लगाएं या चम्मच की मदद से वो आपकी मर्जी है। मैं इसको हाथ की मदद से लगाऊंगा। ये आप देखें, ये देसी पिज्जा समझें जी, ये आज हम बना रहे हैं देसी पिज्जा। ये बड़ा मशहूर है लाहौर में और बहुत शौक से लोग इसको खाते हैं। अब इसको आप घर पे भी बना के मजे के साथ इसको खा सकते हैं। अब हम इस पे लगाएंगे दाल। ये बॉयल नहीं है, ये हमने 2-3 घंटे भिगो के सिर्फ रखी है। और अनारदाना इसके ऊपर हम लगाएंगे। और इसके ऊपर अब हम खुश्क धनिया, ये थोड़ी हाथ की मदद से मैंने इसको मसल लिया। और अगर आपके पास सफ़ेद तिल हो तो वो भी इसके ऊपर आप लगा सकते हैं। अभी आप देखें सफ़ेद तिल मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ। अगर आपके पास तिल नहीं है तो आप ना लगाएं। इसको थोड़ा हाथ की मदद से प्रेस कर लेंगे। जहाँ पे चीज़ें आपको कम लगे आप वहाँ पे भी इसको लगा सकते हैं, लगा लें। अब ऑयल हमने जो रखा है गरम होने के लिए, ऑयल को हमने हल्की आंच पे ही गरम करना है और आंच हमने हल्की ही रखनी है, हल्की आंच में ही हमने इसको पकाना है। तो ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब इसको हम हाथ की मदद से उठा लें। और ये देखें अब इसमें मैं ऑयल में इसको डाल दूंगा। अब एक हम चम्मच की मदद से इसका जो साइड वगैरह हम चेंज करेंगे। इस साइड से ये थोड़ा इसको हम सही कर लेंगे। असल में मेरे पास कढ़ाई छोटी है, हल्की आंच पे हमने इसको 2 मिनट पकाना है, 2 से 3 मिनट तक हमने एक साइड को इसको पकाना है। ये आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट इसको एक साइड को हो गया। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये आप देखें और तकरीबन हमने दोबारा 2-3 मिनट उस नीचे इस साइड को भी पका लेंगे। जी तो इसके साइड ये बिल्कुल अब रेडी है, निकालेंगे डिश आउट इसको हम करेंगे।
ये आप देखें, ये रेडी हो चुका है। बाकी के अभी जो है हम इसी तरह हम रेडी करेंगे। ये आप देखें, जी तो ये आप देख सकते हैं, इसको दो मिनट हो गया एक साइड को। अभी हम फिर इसकी साइड जो है वो चेंज करेंगे। इसको भी हम 2 मिनट एक साइड को फिर से पकाएंगे। ये कतलम्बे का साइज जो है वो आप अपने ये कढ़ाई वगैरह के हिसाब से रखें, क्योंकि मेरे पास जो कढ़ाई वो छोटी थी, इसीलिए मैंने इसका जो है साइज छोटा किया। अभी जी ये देखें आप, इस ये रेडी हो चुकी है। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो हम इसका निकाल लेंगे। ये देखें, अब इसको भी हम डिश आउट करेंगे। अब ये देखिएगा आप, जी दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि लाहौरी कतलमा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं आपको ये तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखें जी, बहुत ही नरम है, बहुत ही मज़े का बनता है। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि ये रेसिपी मेरी आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।